ये को कल से रिलेटेड कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस घर के लिए रिवाइज करने को कहते हैं, रिवाइज कर ली है। ये क्वेश्चन जो आपके सामने आ गया पेज नंबर 201 पे, इसका भी पॉइंट नंबर 1 हुआ था। एक नजर जरा दोबारा अपने आप को देख के सुनाए जरा, क्यों इंक्रीज डिक्रीजेस आई थी। शुरू कर दें बस। नीचे स्टार्ट। देख ले, कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल हो तो चला ले, वरना हल्का सा पसीना आएगा तो बड़ा ठंड लगेगी, गुजारा हो जाएगा। सीधी हवा पड़ेगी, पसीना आया हुआ, मेरा ख्याल रहने दो, चलाना तो चला ला, लेकिन आप फिर किसी ऐसी जगह बैठे कि जहाँ पे सिर्फ आपको पड़े। नहीं ना, वो चलवाए ना ये चलाए, आप पहले उधर चले फिर मैं चला देता, तो उसके साथ में जाए ना, उन गरीबों का क्या करूंगा। या तो आप इधर आ जाए या उधर चले, जिधर जाएंगे उधर चला लेते हैं, डायरेक्टली मुश्किल हो जाएगा, दो लोग सीधे बैठे होंगे इसलिए मुश्किल हो जाएगा। जी सर, ये पॉइंट 1 में कोई मसला? नो सर। पॉइंट 2 पर सर, ये शुरू कर दें सर। पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ था, स्लो सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स। स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स का मतलब बता दो। आहिस्ता आहिस्ता बिक रही है, 16 तो चीजें जल्दी से जल्दी बिकनी चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिकने वाली चीजें समटाइम्स इसलिए नहीं बिक रही होती हैं जल्दी, कि या तो उनकी डिमांड नहीं होती है, या वो खराब हो गई होती हैं, या वो आउटडेट हो गई होती हैं, तो मसला होता है, इसलिए स्लो मूव कर रही है। डिसाइड हुआ सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम एट प्राइस, अंडरलाइन करें, इक्वल टू कॉस्ट। ना करें प्लीज कंसंट्रेट करें। इसके जरा फर्स्ट पैराग्राफ जो था, ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, जहां पहली दो लाइनें वो जरा पढ़ें जरा। लास्ट वीक ऑफ द ईयर में ये डिसाइड हो रहा था कि कुछ एक्शंस उठाए जाएं ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सके, ऐसी था। उसमें से सेकंड ये था कि चीजों को जो नहीं बिक रही कम से कम कॉस्ट पे बेच के सेल बढ़ा दी जाए। एंट्रीज करवानी सर, पॉइंट नंबर 2 में क्या एंट्री बनेगी? नहीं बेटा ना करे यार, क्या हो गया, जज्बातियत इतनी जज्बाती। सेल की एंट्री देने बनाना, कैश रेट पे सेल्स करनी। ठहरी तो आपके पास बिल्कुल ठीक है, एंट्री भी क्रेडिट होनी है, लेकिन वो मेरे ख्याल कर लेता दूसरी एंट्री जेन में आनी चाहिए। सेल की एंट्री ना बदलें, सेल की एंट्री ही है, लेकिन एक दूसरी एंट्री भी साथ, बड़े हो गए सारे, क्या गुड्स भी कम हुई, गुड्स भी कम हुई, तो जो गुड्स कम हुई है कॉस्ट ऑफ सेल्स एंट्री या स्टॉक। ये पहली वाली एंट्री किस प्राइस पे होती है? सेल, दूसरी वाली एंट्री, इसलिए फिर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट आता है। लेकिन यहाँ वो ये कह रहा है कि कॉस्ट पे ही बेची है, अगर कॉस्ट 100 है तो सेल भी फिर 100 है, क्या प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट नहीं हुआ, लिखे एंट्रीज। ये बाकी डेफिनेटली 100 मैंने ज्यूम किया, लेकिन जो 100 कॉस्ट है वही फिर 100 सेल प्राइस भी है, क्योंकि क्वेश्चन सेज किसको किस पे बेच दिए, स्टॉक को कॉस्ट पे बेच दिए। ये दूसरी एंट्री में कतराज, इसमें डेफिनेटली इन्वेंट्री मैंने लिखा, इन्वेंट्री की जगह स्टॉक वर्ड भी होता है, स्टॉक या इन्वेंट्री।
एनी कंफ्यूजन इन द एंट्री सर? अब फिर वही गेम शुरू होनी है जो कल स्टार्ट हुई थी, एक एक फार्मूला जहन में लाना है, फार्मूले की हेडिंग्स जहन में रखनी है, एंट्रीज गौर से देखनी है, जहां तक हो सके बगैर कुछ लिखे कोशिश करते हैं, लेकिन जहां जरूरत पड़ जाए फिगर्स के साथ भी समझेंगे। पहला फार्मूला क्या है जिसपे इफेक्ट देखना है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला आज हो ही जाए, गेम ऑन कर दें। ना ना एक मिनट, ये बिल्कुल गलत है, नो इफेक्ट बिल्कुल गलत है। आराम आराम से सोचे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट पे, फिर सेल पे, फिर इनटू 100 पे, आराम 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 से। यकीन नो इफेक्ट होगा तो बड़ा नो लिख देंगे, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन आराम से आराम से। कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल इन सेंस रिलैक्स योर सेल्फ, एकदम जज्बाती नहीं। एंट्री गौर से देखें, बताएं ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट डिक्रीज, ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं होगा? प्रॉफिट पे बेचे ही नहीं है यार, प्रॉफिट पे बेचे ही नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं होगा। डिवाइड बाय सेल्स पे कोई इफेक्ट? सेल बढ़ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीरो हो रहा है, 100 100, प्रॉफिट पे तो बेचा ही नहीं है। सेल्स पे इफेक्ट, सेल बढ़ रही है, बेस बढ़ रही है, बेस बढ़ने से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम होता है। ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट जीरो, सेल पे इफेक्ट 100, बेस बढ़ रही है, बेस बढ़ने से रेशियो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर, 200 ग्रॉस प्रॉफिट था, 1000 सेल थी, 200 बटा 1000 इंटू 100, 20% आंसर आ रहा था। रिवाइज सिचुएशन में आ जाए, ग्रॉस प्रॉफिट वही है 200 डिवाइड बाय 1100, ऐसे ही है ना, ग्रॉस प्रॉफिट वही रहा, सेल बढ़ गई, रेशो कम हो गई, बेस बढ़ने से रेशो कम हो गई। लिख लें आंसर, तो जज्बाती नहीं प्लीज, रिलैक्स। इंक्रीज या डिक्रीज? नो इफेक्ट यकीनन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, बट इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज कि वो डिक्रीज हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता बिक रहा था यार, सेल करने से सेल कम हो गई, इतनी मुश्किल बिका, पर सही है, स्लो मूव हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट पे बिक गए, हाँ कह रहे सेल कम हो रही, और स्टॉक कम हो गया यार, एक ही तो चीज है, ना कर यार, दोनों ऐसे शुरू हो रहे हैं लेकिन सेल के बाद ये है, ना कर यार, ना कर खुदा की, ना सेल बढ़ रही है, स्टॉक कम हो रहा है लेकिन कॉस्ट पे बिक रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। ये भाई ने जो साथ वाले ने पंगा लिया ये गलत है, मेरा उसका इंडिविजुअल मामला, क्योंकि पंगे अगर हो जाएंगे तो उधर कुछ और भी हो सकता है, वो मुश्किल हो जाएगा, मेरे साथ तो उसका मजाक है तो बर्दाश्त कर लेंगे, ना करो यार इसका अपना अपना। अब आप रेडी रहिएगा, मैंने आपसे पूछना, फिर उससे मौका देना, नहीं करनी करनी, जीता नहीं एक दूसरे से, प्लीज कंसंट्रेशन। चीजें आसान नहीं है, आपको आसान चीजें पसंद भी नहीं है, आप चैलेंजेस से मोहब्बत करते हैं, इसलिए तो सीए कर रहे हैं। सोच ले सोच ले, बस बाकी बातें आपको पता, बस बस सब सीरियस, दोबारा सर ये छोटी छोटी चीजें बस वैसे जेन में भी सेट होनी चाहिए, अगर बेस बढ़ रही है तो रेशियो कम हो जाएगा। लेकिन बात अभी एक हुई है, नेट प्रॉफिट पे गेम अपनी चलाएं जरा खामोशी से, इस तरह बन सके नहीं है, आराम से पहले फॉर्मूला नहीं बोला आपने, नेट प्रॉफिट में कोई चेंज क्यों नहीं यार? सेल में इंक्रीज आ रहा है, सेल में इंक्रीज आ रहा है, उतना ही कॉस्ट ऑफ सेल में भी आ गए, तो ना ग्रॉस प्रॉफिट में कोई चेंज, ना इसकी वजह से अल्टीमेटली को नेट प्रॉफिट में चेंज,
लेकिन उसकी बेस सेल की है, सेल में चेंज इंक्रीज आ रहा है, क्या बनेगा? डिक्रीज हो रहा है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन नहीं है। क्या करें ये आवाजें, प्लीज साइलेंस, इंडिविजुअल आवाजें साइलेंट, प्लीज खामोशी, सबको चांस दें यार। करंट रेशियो का फॉर्मूला, 15 सेकंड्स आपके पास है, खामोशी से कुछ नहीं बोलना, सोच रहे हैं आप, मैं 15 सेकंड्स गिन रहा हूं। जी लास्ट लाइन वाले हजरात कुछ बताना चाह रहे हैं, खामोशी नहीं बताना चाह रहे, लास्ट लाइन में कौन है, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कोई एक अज्यूम कर ले, सर जी मत करें, क्या हो गया, गिलगित से आवाज आई है, ठीक है सही है, मेक एन एफर्ट, करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स में कोई चेंज, इंक्रीज भी है डिक्रीज भी है, जितने से इंक्रीज है उतने से डिक्रीज है, कैश या डेटर भी चाहे केस प्लस हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा, करंट एसेट्स में प्लस माइनस हो जाएगा, नेट इफेक्ट ऑन करंट एसेट जीरो हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज, करंट रेशियो पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, कैश बढ़ तो रहा है यार, जितने से कैश या डेटर बढ़ेंगे उतने से स्टॉक कम हो जाएगा, नेट इफेक्ट ऑन करंट एसेट जीरो हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज तो वैसे ही इफेक्ट नहीं हो रही, तो क्या इफेक्ट आएगा, नो इफेक्ट, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं वंस अगेन गिनूंगा और जब मेरे 20 सेकंड खत्म होंगे तभी खत्म होंगे, आपके नहीं खत्म हो सकते, जब काइंडली मैं कहूंगा उस वक्त आएगी, जी नहीं बड़ा कॉस्ट ऑफ सेल का इफेक्ट आते, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होंगे ना, एक तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी और प्रॉफिट कम हो जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट में आएगा, अब कॉस्ट ऑफ सेल पे इफेक्ट आ गया ना स्टॉक का, जब आपने स्टॉक पर ना सोचना सोचना है खामोशी से, ये अपना अपना सोचना, इसी तरह ही होना है, इधर 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 फॉर्मूला क्या है जी, एवरेज इन्वेंट्री, चलो ठीक, टाइम्स की बात हो रही है, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिख दिया जरा सामने आपके रहेगा, एनी इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, बढ़ेगी यार, स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी है, कम हो जाएगी, डेबिट हो रही है, बढ़ेगी, स्टॉक कम होगा, अब इसमें जरा थोड़ी सी एहतियात रखनी है, जब दोनों जगह चेंज आ रहा हो ना ऊपर नीचे, तो देन फिर लिख के कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर शायद अदरवाइज हम नहीं सोच सकेंगे कि एक तो ये ना सिर्फ बेस बढ़ रही है या बेस कम हो रही है या सिर्फ ऊपर वाली फिगर कम ज्यादा हो रही है, वो तो शायद डिसीजन इजीली लिया जा सकता है, इस केस में अब कॉस्ट ऑफ सेल भी इफेक्ट हो रही है, कैसे इफेक्ट हो रही है, बढ़ के, और स्टॉक भी इफेक्ट हो रहा है कम हो गए, तो इसको रादर देन कि हम वैसे ही सोचें, पहले कुछ फिगर्स अज्यूम कर लेते हैं कि पहले क्या था और हमारी इस एंट्री की बात क्या है, तो एक मिनट जरा ठहर जाइए, लेट्स अज्यूम कॉस्ट ऑफ सेल पहले 800 थी और स्टॉक एवरेज 400 था, अपनी एंट्री देखें, अब बाद में इसे नोट कीजिएगा फिर वर्किंग, अब मैंने जो फिगर्स अज्यूम किए हैं उसकी बेस पे बताएं क्या करूं, 800 में क्या करूं, 800 में 100 प्लस हुआ और 400 में से 100 में प्रोपोर्शन
असल में बदल रहा है, 900 हो जाएगा और डिवाइड बाय 300 हो जाएगा। पहले आंसर था 2 times, सॉल्व करें, लिखें लिखें लिखें, खुद से कंक्लूड करें। तो इस नहीं मतलब यहाँ पे दोनों में चेंज आ रहा हो, वो मेरे ख्याल जुबानी जरा मुश्किल हो जाएगा, तो रादर देन दैट फिर प्लस माइनस करके इस तरह बनाना है। तरीका मैंने क्या अडॉप्ट किया ये भी बता दें, खुद से मैंने 800-400 जीन किए और बाद में उसमें चेंजेस करके रिवाइज फिगर फाइंड आउट किया। इंडिविजुअली आप लोग अगले 2 सोच लो, ये सुल्तान साहब ठीक है। नेक्स्ट करें, ये दोनों अगले कर लें, रिटर्न ऑन नॉन करेंट एसेट्स भी और क्विक रेशियो दोनों सोच लें। ये बड़ा स्टॉक टर्नओवर फाइनल है सबका, इंक्रीज स्टॉक टर्नओवर इंक्रीज फाइनल था, रिटर्न ऑन नॉन करेंट एसेट्स कर दें फाइनल, आसान है मेरा ख्याल। ये बिल्कुल ठीक हो गया, अब मुझे ख्याल है कि सही आवाज आई है, ना प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट हो रहा है और ना नॉन करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट हो रहा है। क्या लिखें? ना इफेक्ट, जो करंट रेशियो पे इफेक्ट सही बताए वो समझे कि सही जगह जा रहा है। आराम से एम लें 30-40 सेकंड, नहीं नहीं अपना अपना अपना, मैंने ये नहीं कहा जो जल्दी बताए वो सही जगह जा रहा है, रिलैक्स। अपने से ज़ूम करके कुछ फिगर्स करें, इस तरह मुश्किल हो जाएगा जरा। ठीक है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बहुत पुअर पार्टिसिपेशन है। अब ये नहीं कहिएगा ये कौन सा पहली दफा, क्विक रेशियो बोर्ड पे देखेंगे, क्विक रेशियो का फॉर्मूला बोले। सपोज करंट एसेट्स है 1500, इन्वेंटरी थी 300 और करंट लायबिलिटीज थी सपोज 600, सॉल्व करिएगा आंसर 2 times, एसेट्स आर 2 times ऑफ करंट लायबिलिटीज। 1500 क्या अज्यूम किया मैंने,
करंट एसेट्स 300 के अज्यूम किए, स्टॉक माइनस किया मैंने और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब अपनी एंट्रीज कॉस्ट देखें, ना ना इससे नहीं करें, आराम आराम से, यही यही तो असल गेम है। 1500 में 100 ऐड होगा और यकीन 100 माइनस भी होगा, तो यकीन ये लिखना ना लिखना बराबर था, लेकिन माइनस जो 300 पहले था उसमें से 100 माइनस होना, क्या था 300, क्या था 300, स्टॉक में से 100 कम होना, यार उधर हो तो गया कम, तो उधर जो कम हुआ है 200 ही रह गया ना उसमें, तो बाहर भी तो भाई 200 ही माइनस होना, ये तो तीन दफा हो गए। ना 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 बिल्कुल रिलैक्स, पहले ये इधर हजम हजम हजम, 100 मैंने क्या जमा किए कैश वाला, क्या करंट एसेट में स्टॉक भी था, वो माइनस भी होना, तो रिवाइज्ड करंट एसेट्स में से रिवाइज स्टॉक। अब करंट एसेट्स के अंदर पहले कितना स्टॉक होगा, 300 पहले ऊपर 1500 में, क्या 15 में से 300 होगा, 1500 में 300 स्टॉक होगा। अब नीचे है, अब 1500 में 100 ऐड हुआ, कौन सा 100 ऐड हुआ, कैश वाला, डेटर या कैश वाला ऐड हो गया, लेकिन उसके अंदर जो 300 स्टॉक है उसने भी तो 100 कम होके 200 होना, इसीलिए तो 1500 फिर हुआ। ये प्लस और माइनस का मतलब दोबारा करंट एसेट्स 1500 नहीं, तो 1500 दोबारा करंट एसेट कैसे, कैश ऐड हुआ स्टॉक माइनस हुआ, तो 1500 तो एज इट इज ही है, लेकिन उस 1500 में अब स्टॉक 300 नहीं 200 है, 200 कैसे, तो फिर 100 प्लस क्या है, तो कैश आ गया स्टॉक निकल गया, तो अब स्टॉक जो रह गया वो 200 है, तो 200 ही माइनस होना ना, अब दोबारा 300 में से फिर 100 एडजस्ट होगा, डिवाइड बाय 600 एज इट इज रहेगा। हाँ सर, 2.17 क्यों चेंज आया, क्यों चेंज आया, क्यों चेंज आया, इन्वेंट्री कम लेस हो रही है, ये क्विक एसेट्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, कंसंट्रेशन सोचे, क्विक एसेट्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, क्विक एसेट्स किसे कहते हैं, नहीं जल्दी में करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक निकाल दें तो क्विक एसेट्स कहते हैं ना, पहले करंट एसेट्स में 300 स्टॉक था, अब करंट एसेट्स में 200 स्टॉक है, तो क्विक एसेट्स बढ़ने से, ऊपर फिगर बढ़ने से, लायबिलिटी सेम रहने से रेशियो इंप्रूव हो गई। लिखे वर्किंग, अब जिन हजरात ने इंक्रीज बताया है, आई होप कि वो रैंडमली सीख नहीं हो गया, बुक में बहुत सी मिस्टेक है, अच्छा कि आपने बता दिए। अब कहां कहां है आपने ये नहीं देखना, एंड में मैं बताऊं, अब बच्चों का अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपकी तरह ही बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, वो आंसर चेक तो कर सकते हैं बाद में, लेकिन पहले अपनी वर्किंग करते हैं, आप ही ऐसे कर रहे हैं, वो भी ऐसे कर, जी एनी कंफ्यूजन जी, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी जल्दी जल्दी, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, मतलब इसका ये बना है कि जहां हम फंस रहे हो वहां हम कुछ अज्यूम फिगर के साथ वर्किंग करेंगे, एकदम कंक्लूजन नहीं, टाइम लेंगे और इंशाल्लाह कुछ लिख के कर लेंगे, नमाज की ब्रेक कर लें, तो बच्चों ने जमात के साथ पढ़नी होती है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से इंशाल्लाह कोशिश करें 4 बजे तक आ,
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स वापस आ गए। यासिम साहब बात आसान की नहीं है, बात सही और गलत की है यार। आसान तो बात आपकी ठीक है लेकिन ऐसे सही तो नहीं है। स्टॉक का फैक्ट भी तो आना है करंट एसेट्स में। ठीक है यासिम साहब, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी पॉइंट नंबर 3 पढ़े, रिकवर डेटर बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। इसकी एंट्री भी लिखें और काइंडली इसके सारी रेशियोज पे इम्पैक्ट भी लें। मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, फिर 5 मिनट बाद डिस्कस करता हूँ। जो जो याद ना आए जरूर कहीं ढूंढ के रिवाइज करें। अब ये अंडरस्टूड बात है कि फार्मूले आपको याद हो चुके हैं, स्पीड अप हो जाए जरा, जहां जरूरत पड़े वहां अपनी ही फिगर्स अज्यूम करके लिखें भी और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस प्लीज। जो हजरात आते रहे कहीं साफ सुथरा बता दें क्या बात हो रही है। अपना अपना सॉल्व करें प्लीज, बाद में एक दूसरे डिस्कस कर लीजिएगा, पहले अपना अपना कंप्लीट करें। सर सही डिस्टर्ब करें बाकी लोगों को यार, कंप्लीट साइलेंस, कोई आवाज नहीं आए सवाए आपको अपनी, जीरो डिस्टर्बेंस प्लीज। आसान निकला है वैसे। ये सुल्तान साहब बेटा कंप्लीट कर लें, आप एक दफा फिर पूछता हूँ आपसे, आप लोग कंप्लीट कर लें एक ही दफा फिर बता दीजिएगा। Thank you.
जी मीटिंग हो गई है सर, अभी चल रही है। कहाँ तक पहुंचे? ट्रक को हमें कर रहे हैं, लगा लें। एक मिनट और। अच्छा वाला साथ वाला सही कर रहा है, उसे गलत करवाई जा रहा है। तेल कम होके बढ़ जाएगी। चले सर जी स्टार्ट करें बस, ठीक है। ज्यादा पहुंचे बस, छोड़ दे। सबसे पहले ये एंट्री, ठीक है। ये ब्रैकेट मैंने सेल क्यों लिखा? डिस्काउंट अलाउड सेल में से माइनस, और डिस्काउंट रिसीव परचेज में से माइनस। डिस्काउंट अलाउड सेल में से माइनस होने से सेल कम हो जाएगी। पहली रेशो देन मिला, ग्रॉस प्रॉफिट पे को फर्क पड़ेगा, 10 से कम हो जाए ग्रॉस प्रॉफिट। सेल 10 से कम, कॉस्ट ऑफ सेल एज इट इज। सर मैंने उसकी बात ही नहीं की, मैं तो अभी अमाउंट का सोच रहा हूं। सेल 10 से कम होके ग्रॉस प्रॉफिट 10 से कम हो रहा है, तो दोनों कम होंगे। ग्रॉस प्रॉफिट भी 10 से कम, सेल भी 10 से कम। लेकिन नहीं, नो इफेक्ट नहीं। लेकिन जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, जब दोनों कम या दोनों ज्यादा हो जाए फिर लिख के कर देना चाहिए, क्योंकि उससे प्रोपोर्शन बदल जाता है। अगर सिर्फ प्रॉफिट या सिर्फ सेल में चेंज आ रहा होता फिर शायद आप इमीडिएटली डिसीजन ले सकते हैं, दोनों में कमी करा दे या ज्यादती आ जाए, दोनों में ऊपर नीचे
लिख के कर लेना चाहिए। मैं सर फॉर एग्जांपल किया किसी ने, तो आप बताए रैंडमली फिगर। फाइव हंड्रेड क्या अज्यूम किए, ग्रॉस प्रॉफिट से 200, 200 500 ग्रॉस प्रॉफिट, पर ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। आंसर बताए फॉर एग्जांपल ये फिगर, तुम सॉल्व की देखो, 500 बड़ा 2000 25% एंट्री देखे जी, 500 में बताएं क्या करो, 500 माइनस ठीक है माइनस है, क्यों माइनस है, सेल कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट कम है, डिवाइड बाय 2000 माइनस 10। प्रोपोर्शन असल में बदल जाते हैं जब ऊपर नीचे दोनों में चेंज आ रहा हो, तो उससे परसेंटेज बदल जाती है। क्या चेंज आ रहा, 24.62 या 63, क्या इफेक्ट आ रहा, डिक्रीज आ रहा, ठीक है। वर्किंग लिखे हैं, वर्किंग लिखे हैं, छोड़ दें, इस तरह ना करें कैंडली यार, इंडिविजुअली प्लीज कोशिश करें, गलत सही होने दें, होने दें, काट के ठीक हो जाएगा, होने दें, कुछ होने दें, मेजोरिटी ने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, कहीं गलत ना हो जाए, ये इससे नहीं होगा कुछ, होने दें। साथ वाले से पूछे जा रहे हैं, वो भी गलत करवा दी ना गलत साथ वाले, तो इस तरह ना करें प्लीज, अपना अपना सोचें, कोई इशू नहीं है, सोचने से गेम आगे बढ़ेगी। इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, आप जल्दी से 20 और लगाएं दूसरी पे, क्योंकि अगर ये गलत हुई है तो उसमें भी मसला आया। अब सोच रहे हैं जल्दी से, 20 सेकंड है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ले रहे हैं यहाँ तक, नेट प्रॉफिट करें फाइनल, उसमें भी यही हो रहा है, नेट प्रॉफिट में कमी आएगी, रीजन सेल कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट, अल्टीमेट नेट प्रॉफिट कितना डिक्रीज आएगा, 10, सेल में भी 10, दोनों में जब आ जाए तो कैंडली वर्किंग किया करें, वैसा डिक्रीज आएगा चेक करें, कोई अज्यूम करें सही फिगर्स, लेकिन लॉजिकली सही फिगर्स, ये ना ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा सॉरी कम और सेल कम, 50 लाख ग्रॉस प्रॉफिट और सेल 1 लाख है, ख्वाहिशात नहीं काइंडली, सिर्फ लॉजिक नहीं, जी जी अपना अपना, कोई यकीन नहीं, फिगर अज्यूम्ड अपनी होनी चाहिए, सामने वाली कर ले सर, कुछ तो करें, कोई तो अज्यूम कर, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट है ना, अब आपने नेट प्रॉफिट अज्यूम करना है, जो इससे कुछ ना कुछ कम ही होगा, तो ठीक है सेल यही होगी, कुछ करें कुछ करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। नतीजा रिजल्ट कंक्लूजन डिक्रीज है, दोनों डिक्रीज लिखो या हो गए, हिम्मत करें सर, इस तरह नहीं है, गेम आपके सामने, एग्जामिनर का जो दिल करे वो करता है, आपसे रिगार्डिंग आप चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में सोचें जी, अब डी फोर फाइव दोबारा सोच लें, सॉरी सी डी ई एफ चार रहती हैं अभी, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में अगर गलतियों पर हो गई हैं दोबारा सोच लें, एक मिनट है, एक पूरा मिनट है, टेक योर टाइम, दोबारा देख लें, दोबारा देख लें, अगर खास तौर पे ए और बी में कोई गलती हुई है तो दोबारा कंसिडर कर लें, पढ़ दें बिस्मिल्ला। खुबैब साहब जितनी सेल उतना ही तो प्रॉफिट लेना होता है यार, कोई कॉस्ट भी तो होती है ना, 500 अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो 500 सेल कैसे होगी, कुछ ना कुछ फिगर्स में डिफरेंस तो होगा ना यार, करंट रेशियो आसान है यार,
क्या करंट एसेट्स नेट करके 10 से कम हो रहे हैं, 99 डिग्रीज डी कर दे। डी 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 ना कॉस्ट ऑफ सेल पे को फर्क पड़ेगा, ना स्टॉक पे को फर्क पड़ेगा इस एंट्री से, और नो इफेक्ट रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स होना चाहिए, वो इजी है। प्रॉफिट में तो कमी हो रही है लेकिन नॉन करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो जब एक जगह कमी है फिर आपको डिसाइड कर लेना चाहिए डिक्रीज क्यों आएगा। प्रॉफिट ऊपर कम हो रहा है, ऊपर रेशियो में प्रॉफिट कम हो रहा है, कर लें हिम्मत बिस्मिल्लाह कर लें। क्विक रेशियो आसान है, सही फैसला सही फैसला, हिम्मत हिम्मत, टेक योर टाइम कर लें हिम्मत। क्विक रेशो प्लीज, क्विक रेशो, करंट एसेट्स में बेटा कमी आनी है, स्टॉक में नहीं आनी, कैश डेटर्स सॉरी कैश और डेटर ही है, तो कैश और डेटर करंट एसेट्स पे इफेक्ट आएगा, स्टॉक एज इट इज रहना है। लेकिन क्योंकि कैश 90 से बढ़ रहा और डेटर 100 से कम हो रहे हैं तो करंट एसेट्स में अल्टीमेटली 10 का डिक्रीज आ जाएगा, तो स्टॉक एज इट इज रहेगा लेकिन करंट एसेट्स में 10 कमी आने से क्विक एसेट्स कम हो जाएंगे। क्विक एसेट्स किसे कहता हूँ बार बार मैं, करंट एसेट्स में से स्टॉक निकाल के जो फिगर आती है उसे क्विक एसेट कह रहा हूँ। वाइंड अप कर दो, एक नजर में से मैच करना जरा देखना, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, नो इफेक्ट एंड डिक्रीज डिक्रीज। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स नंबर 4 जरा मेरे लिए छोड़े, वो मैं जरा डिटेल में भी समझाता हूँ। नंबर 5 की एक अच्छी सी एफर्ट विद इन 3 मिनट्स भरपूर कोशिश करें, एंट्री लिखें, आवाजें बिल्कुल खत्म करें यार, कंप्लीट साइलेंस। एक एक्सपेरिमेंट हो गया हुआ है कि साथ वाला गलत करवा देता है और हम भी साथ वाले का करवा देते हैं, तो प्लीज अपना अपना करें। ना कॉस्ट ऑफ सेल इफेक्ट हो रही है, ना स्टॉक इफेक्ट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल ना डेबिट हो रही ना क्रेडिट हो रही एंट्री में, और ना ही स्टॉक डेबिट क्रेडिट हो रहा है इस एंट्री में, तो इसके कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है शारिस, बेटा वादे खत्म करो यार, क्या हो गया, इसका कोई फायदा नहीं है, आप सोचने की आदत ही डेवलप नहीं करते, और पेपर में तो काम ही सोचना है। हरी साहब 5 5 एंट्री बनवा दें कोई, नॉन करंट एसेट क्रेडिट, बस गेन लाना है। तो लास्ट लाइन में से बताएं कितना कैश अज्यूम किए, करना है कर दे अज्यूम 100 बोल दे यार, नॉन करंट एसेट 100 से कम अज्यूम करो या ज्यादा, लाइन पढ़ के बताओ ना, नहीं बोल लास्ट, अगर ज्यादा अज्यूम करूंगा तो लॉस आ जाएगा, गेन हुआ है कैश ज्यादा होगा तो एसेट या एसेट ज्यादा होगा, कैश ज्यादा होगा तो एसेट कम अज्यूम करूंगा, कितना करो 85 हो जाए ठीक है 90 ठीक है, करें मतलब किसने कहा 90 नहीं बताया उसने बाबू, 85 ठीक है यार। अच्छा मैंने अब एक सेकंड जरा पहले ये एंट्री फाइनल कर ली, जो मैंने कल भी शायद एक बोलने की कोशिश की थी, मैंने नॉन करंट एसेट क्रेडिट कह दिए, तो मैंने यहाँ क्या ज्यूम किया है, एसेट नहीं यार, अगर मैंने ये एंट्री कर दी है तो मैंने एसेट WDV पे ज्यूम किया है,
जो यकीनन गैर मुनासिब है। आपने भी तो लेकिन यही किए। आप बताएं मैं क्या अजीम करूं सर जी, इसलिए ये इस तरह नहीं हो सकता। ये हमें क्या डिस्पोजल क्या होती है, हमें पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह सारा पता है। अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अब मैं कॉस्ट पे अज्यूम करूंगा, तो लेट्स सी 120 का एसेट है और 35 एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन। नहीं, डेफिनेटली फिगर्स विल बी डिफरेंट। मैंने अब गेन 15 लाना था, मैंने WDV पर 85 बनाई है, तो ठीक है आप 85 WDV पर लिख सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिवली कॉस्ट और एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन पे भी डिस्पोजल की एंट्री होती है, ये प्रेफरेबल है। करें सही, बल्कि और करके करें। जो भी आपने फिगर्स अज्यूम किए हैं अपनी अपनी, कितना प्रॉफिट निकाला आप लोगों ने? आपने जितना प्रॉफिट निकाला है कांडी, उसके हिसाब से कोई हिम्मत करें, उसके हिसाब से फिगर्स एडजस्ट करें, उसके हिसाब से सोचें आपकी कॉस्ट एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी कितनी होनी चाहिए। ये करें, करें हिम्मत और करके। ये एग्जामिनर ने आपको पेपर के नजदीक भी नहीं आने देना जिससे आप कर रहे हैं। आपने उसके नजदीक जाने की कोशिश करनी है और रिपेल होना है आपने। जी जी वो ठीक है, जो भी सोचना है, लेकिन कंडी जरा नेट इफेक्ट सोच लें। जिन लोगों ने 10 गेन अज्यूम किया है, आपकी फिगर्स मेरी कॉस्ट और एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन से डिफरेंट तो होंगी, लेकिन आपकी WDV का नेट आंसर 90 होगा। साइंस तो नहीं बन गई ये गेन? एक सेकंड बता दीजिए। ओके जी, गेन ये जितना भी गेन आपने लिखा बताएं, ये कहां जाता है? प्रॉफिट लॉस में ढूंढना जरा। ये अदर इनकम में ही जाता है, ये अदर इनकम में ही जाता है। और अदर इनकम किधर होती है? प्रॉफिट एंड लॉस में किधर होती है भाईजान? ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे होती है, नीचे अदर इनकम। मेक अ वेरी गुड एफर्ट, इसमें नहीं कोई गलती बनती। अगर ये अजम्पशन है तो इसे अजम्पशन ही रहने दें यार। और खान साहब, इसे अजम्पशन है, कोई अजम्पशन ही रहने दें। ये अजम्पशन क्लियर नहीं हुई, ये अजम्पशन क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। आज आपने अपने रजिस्टर का पहला सफा ढूंढना है और वहीं से पढ़ना शुरू कर देना है जब तक रिवॉल्यूशन ना आ जाए। इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगी। खान साहब अच्छे वाले आप जा रहे थे, पता नहीं रास्ते में किधर निकल गए। कुछ अर्से पहले महसूस हो रहा था कि अब सही पढ़ी जा रहे हैं, फिर कुछ अर्सा आपने महसूस किया काफी पढ़ लिया, छुट्टियां कर लेता हूँ, और फिर गेम गायब होगी। जी सर, ये जो आप हिम्मत की कमी दिखाते हैं, यही मैटर करता है सर पेपर में। ना एग्जाम हॉल में कोई बोर्ड नजर आता है, ना कोई साथ वाला नजर आता है, दूर दूर नजर आता है, और जो उसको देख के इंसान पे बीतती है उससे जो थोड़ी बहुत मोटिवेशन होती है वो भी गई। चेयर पे लिखने का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। कंप्लीट कर लिया? लिखवा दे जरा। चले यार छोड़े, अगर बातें ही करी तो रहने दे। शॉर्टकट में पॉसिबल है यार ये। ग्रॉस प्रॉफिट पे ना, ग्रॉस प्रॉफिट पे ना, सेल पे, पूरी रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। नेट प्रॉफिट 10 से 15 से बढ़ेगा, मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल एज इट इज रहेगी, नेट प्रॉफिट रेशियो देखकर कम हो जाएगी। ये तो बता दे यार, प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल सेम रहेगी, नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगी।
नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आएगी, तो नेट प्रॉफिट नो इफेक्ट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट नो इफेक्ट, नेट प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो जाएगी परसेंटेज जो भी हो, इन दिस केस 15 से बढ़ेगा। चलो आगे, करंट एसेट्स में कैश के बढ़ने से इजाफा होगा और नॉन करंट एसेट्स का करंट रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं है। करंट एसेट्स कैश के बढ़ने से बढ़ेंगे, नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स में नहीं है, वो अलग है, और करंट लायबिलिटीज एज इट इज रहेंगी। करंट एसेट्स बढ़ने से बाय 100 इन दिस केस करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉरी इंप्रूव हो जाएगी। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ प्लीज, ग्रॉस प्रॉफिट नो इफेक्ट, नेट प्रॉफिट इंक्रीज, करंट रेशियो वाई इंक्रीज, और यार ये एसेट भी तो कम हो रहा है, करंट एसेट्स का इफेक्ट नहीं करेगा, कम होगा। स्टॉक टर्नओवर पे ना कॉस्ट ऑफ सेल में कोई इफेक्ट आ रहा है, ना स्टॉक पे कोई इफेक्ट आ रहा है, नो इफेक्ट। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स इंटरेस्टिंग है, लिख के करना पड़ना है। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स में प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है और वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कैलकुलेट होता है, उसमें अदर इनकम आ रही होगी तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ेगा और नॉन करंट एसेट्स में कमी आएगी, तो ये लिख के होगा, ये लिख के होगी, बेस भी कम होगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बेहतर ये कि कुछ अज्यूम कर लिया जाए, तो कर लें अज्यूम, जरा करवा दें, क्या जिम किए, कोई नहीं मसला, पहले क्या जिम किया बिफोर, फिगर बोल दो, नहीं एक मिनट भाई ने किया, वो पीछे भाई है, अब दोबारा जिम करना लगे, बेटा क्या कर रहे, मैंने अपनी फिगर्स लिखी, मैं उनकी बेस पे कर रहा हूँ। प्रॉफिट 15 से मेरा बढ़ेगा अदर इनकम की वजह से, और नॉन करंट एसेट्स मेरे नेट करके 85 से कम होंगे, मेरी WDV मैंने 85 अज्यूम की हुई है, मेरा आंसर आ जाएगा 315 और डिवाइड बाय 915, आंसर देंगे 34.43%। अपनी ट्रेनिंग फिगर्स जो भी आपने अज्यूम के लिखे करें, इंक्रीज ठीक है, लास्ट वन वाइंड अप आसान है, आसान है। करंट एसेट्स में इजाफा होना है, ना स्टॉक में चेंज आ रहा है, ना करंट लाइबिलिटीज में चेंज आ रहा है, इंक्रीज। जर्नल स्टूडेंट्स कहाँ है इस वक्त, बेटा करंट नॉन करंट एसेट्स में तो नहीं प्लस करना है ना यार, नॉन करंट एसेट्स में प्लस तो नहीं ना कर देना यार, नॉन करंट एसेट्स में कैश प्लस कर देना है, ना करो यार, कैश नॉन करंट एसेट्स में कम कर देना है। जी रेशो नंबर 5 हो गई है, आंसर फाइनल बोल देना यार, नो इफेक्ट, इंक्रीज इंक्रीज, नो इफेक्ट, इंक्रीज इंक्रीज, 5 में लिख रहा हूं क्योंकि 5 ही किया, 4 तो मैंने भी करवाना। सर आपके साथ रहते रहते थोड़ा तेज हो गया, कोई मसला नहीं सर, आपने भी सही किया, ऊपर एक आई खत्म हो जाएगा तो उधर लग जाएगी, कोई मसला नहीं सर।
नहीं बेटा, स्टॉक टर्नओवर जो है ना, स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, ना कॉस्ट ऑफ सेल में चेंज है सुल्तान साहब, और ना ही स्टॉक में चेंज है, इसलिए स्टॉक टर्नओवर में चेंज नहीं है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आते नहीं। चलिए सर जी, पॉइंट नंबर फोर में थोड़ी सी एफर्ट एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, तो आ जाए वो भी वाइंड अप करें, मेरे ख्याल काफी टाइम दे रहे हैं। जी सर जी, इसके अंदर एंट्री बना लें यार, अपनी खुद से फिगर रिज्यूम करके, नहीं दो देंगे ना, इसमें भी स्टॉक भी कम हो रहा है। ये कल अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे एग्जिस्टिंग मार्जिन में, एग्जिस्टिंग मार्जिन से मुराद क्या है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट? नहीं बेटा इस तरह नहीं है, नहीं नहीं सेल्स में तो चेंज आएगा, नहीं हाँ ठीक है, जो पुरानी सेल प्राइस होगी, जो पुरानी कॉस्ट ऑफ सेल होगी, जो पुराना प्रॉफिट होगा वही इसमें होगा। ये कैश सेल है क्रेडिट सेल है? हाँ जी, ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड, मेरा ख्याल है बेस्ट रहेगा, जरा थोड़ा सा टफ है तो अगर पूरा सुन ले पहले। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, लेट्स अज्यूम 100। अब ये 100 मैंने क्या अज्यूम की है, सेल प्राइस, सेल प्राइस, सेल प्राइस से मैंने एंट्री की है। आप ये दोबारा लाइन पढ़े और बताएं, इस ट्रांजैक्शन में बेच के प्रॉफिट हो रहा, बेच के प्रॉफिट होना है? जरा अपनी सेकंड एंट्री ढूंढने, जरा ऊपर सेल वहां भी हुई थी लेकिन वो कॉस्ट पे हुई थी, तो यहाँ प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट वही है जो पहले भी है, मींस वही प्रॉफिट परसेंटेज है। तो लेट्स अज्यूम, बोर्ड पे देखें जरा, लेट्स अज्यूम 20% प्रॉफिट पहले भी था और अब भी है। 20 कहां से आ गया, 20 तो नजर ही नहीं आ रहा, 100 माइनस 80, लेट्स अज्यूम पहले भी 20 था और अब भी 20 है, क्या ये जरूरी है कि पहले 20 है? पहले कितना था, अगर 10 था तो 90 से एंट्री करता, अगर पहले 35 था, हिम्मत ना 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 था, ना 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 65 से एंट्री करता, इतने मासूम नहीं हम, अगर पहले 30 था मैं 70 से एंट्री करता। मैंने क्या अज्यूम किया है कि सपोज पहले भी 20 था अब भी 20 है, लिखे एंट्री लिखा पहले बेटा, वर्किंग ही हो रही है यार, जान दे गुस्सा यार, खुदा के लिए सवाल पूरा हो गया, वर्किंग ही हो रही, ये लगता वर्किंग्स में हो रहा है यार, वही हो रहा है जहां पहले हो रहा है। अब तो सफा नंबर 5 आ गया रजिस्टर का, कहीं खुदा ना खासा पहला आधा सफा तो नहीं अभी तक चल रहा, बगैर लिखे टेबल बनी जा रहा। जवानों हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, सीए में आना कोई इशू नहीं है, आ जाओ आ जाओ, आई कैप की पुकार है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 60% मार्क्स हैं, आ जाओ आ जाओ, नहीं भी हैं तो वो दे के आ जाओ आ जाओ, लेकिन दूसरी आवाज नहीं सुनते आप, अब जाके दिखाओ, अब जानना है इंशाल्लाह, आना इशू नहीं है, आ जाए आ जाए आ जाए, हिम्मत करें हिम्मत करें, जाएंगे कैसे, पास होके इंशाल्लाह, वैसे नहीं जाना इंशाल्लाह। ये पढ़ाई के हवाले से जब सरेंडर कर देते हैं ना, मेरे सामने एक सवाल आया कि क्या ऐसा सवाल पेपर में भी आ सकता है, और मेरे भाई आ चुका है, ये आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है, आपके साथ जो होनी है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आ रहा है, ये पास्ट इवेंट हो चुका है, गेम ऑन हो चुकी हुई है। जी सर, ये आ जाए जरा काइंडली, बस आप सीरियस प्लीज, सॉरी मैंने आपको गलत तरफ आपको तरफ लेके गया हूँ, आई कैप वैसे ही हमारी मोहब्बत है, उसको छोड़ दो,
फर्स्ट रेशियो पे आ रही थी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में अपना जेन अप्लाई करता है, कोई इफेक्ट? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट 20 से बढ़ेगा, सेल 100 से बढ़ेगी। आप कैसे कह रहे हैं कि चेंज नहीं आएगा? आप सही कह रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ, फिगर्स के साथ आ रहे हैं। क्या ग्रॉस प्रॉफिट वैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आप परसेंटेज एकदम सोचते हैं, मैं पहले उसके फॉर्मूले की फिगर्स बोल रहा होता हूँ। बार बार आप एकदम परसेंटेज आंसर में जा रहे होते हैं। फॉर्मूला है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट 20 से बढ़ेगा, सेल भी 100 से बढ़ेगी, क्या परसेंटेज वही रहेगी? ये भी देख लेते हैं। इसको बेटा देखने के लिए पहले एक छोटी चीज समझना जरूरी है। लेट्स अज्यूम एग्जिस्टिंग सेल है 1000, तो आप बताएं जरा अपनी एंट्रीज देख के, अगर प्रॉफिट मार्जिन सेम है वो ऊपर जो हमने अज्यूम किया है, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी? 800 की होगी, तभी 20% ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ये एग्जिस्टिंग मैंने लिखा, एग्जिस्टिंग मैंने लिखा। रिवाइज बताएं, अपनी एंट्री देखें, क्या 1000 में कुछ ऐड होगा? 100 कॉस्ट ऑफ सेल में कुछ? कॉस्ट ऑफ सेल में 80, यकीनन प्रॉफिट में 20 हो गया ऐड। आफ्टर दीज फिगर्स सेल हो जाएगी 1100। कॉस्ट ऑफ सेल बोलें, कॉस्ट ऑफ सेल बोलें, बोलें, आवाज नहीं आई आपको, आपकी नहीं आई अभी तक? 880 हंसले हंसले ने, लेकिन हंसते से रुक जाए, 220 हो जाएगा। कैलकुलेटर उठाए, 200 डिवाइड बाय 1000, 200 डिवाइड बाय 1000 इनटू 100, 20% पहले था, और रिवाइज फिगर्स देखें, 220 डिवाइड बाय 1100, 20% ही बाद में है। तो बच्चों की सही कंक्लूजन थी जिन्होंने बताया, असल में हुआ क्या है, क्या उसी मार्जिन पे चीजें बेची हैं जो पहले कमा रहे थे, इसी परसेंटेज में चेंज नहीं आएगी। चेक कर लिया सबने? लेकिन अभी मेरी बात जरा पूरी होने, बाद में लिखेगी जरा। दूसरी रेशो पे आ, क्या कंक्लूजन है ग्रॉस प्रॉफिट वाली? नो इफेक्ट। नो इफेक्ट ऑन व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट भी इफेक्टेड है, सेल भी इफेक्टेड है, लेकिन परसेंटेज सेम। ये आगे चलो, नेट प्रॉफिट पे एक मिनट लगा। ओपिनियन, ओपिनियन बनाए बनाए, अपना को ओपिनियन बनाए। नेट प्रॉफिट, कोई और ओपिनियन? एक अनकीस वाला है आपके जहन में कोई वजह? इतनी मुश्किल रहने थे, कोई सांसी बता दो। फिक्स नहीं, फिक्स जरूर नहीं। असल में आप तो ये बात ना करें, आप तो माशाल्लाह कॉस्ट के भी स्टूडेंट हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से आगे सिर्फ फिक्स कॉस्ट नहीं आनी, आनी एडमन सेलिंग, उसमें वेरिएबल भी हो सकती है, तो असल इशू वो नहीं है। थोड़ा सा और सोचने, सही कह रहे हैं आप, लेकिन सिर्फ फिक्स नहीं। नहीं वो मैंने उसको कहा, बाकी अपना अपना सोचो। असल में हो क्या रहा है, दोबारा अगर अपनी एंट्रीज देखें, कोई आपकी इन एंट्रीज से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चेंज? नहीं, आपकी इन एंट्रीज से कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चेंज? अब आपके फिर जहन में ये आया है कि अगर सेल बढ़ी है तो कमीशन भी बढ़ा होगा, हो सकता है कमीशन हो ही ना, तो यकीनन हो सकता है। अगर सेल बढ़ी है तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन वो है या नहीं है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने क्या कहा, प्लीज मेरी बात दोबारा सुने, मैंने कहा इन एंट्रीज को देखें और कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चेंज कहाँ कहाँ चेंज आएगा? करंट एसेट्स में, डेटर, सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, स्टॉक में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कोई चेंज नहीं। सेलिंग एक्सपेंसेस में आएगा, आ रहा होगा, कितने परसेंट आ रहा होगा? हो सकता आ रहा हो सकता है लोन लेके चीजें खरीद के बेची हो, इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही हो,
आने को सब कुछ हो सकता है। एंट्री गौर से देखें, ये एंट्री कहाँ का इफेक्ट बता रही है? डेटर में, सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल में, स्टॉक में। स्टॉक और डेटर कहाँ कहाँ इफेक्ट दिखा रहा है? करंट एसेट्स में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही इस लाइन से। बोर्ड पे दोबारा देखें। देन वंस अगेन, बात समझने के लिए, एग्जिस्टिंग जो डेटा मैंने लिखा था, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लेट्स अज्यूम ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंसेस वगैरह जो भी थे वो सपोज 50 थे, देखो नेट प्रॉफिट 150 था। कैलकुलेटर पकड़े, 150 डिवाइड 1000 करें, 15% का पूरा मीनिंग बताएं क्या है? नेट प्रॉफिट परसेंटेज आपने कैलकुलेट की है एग्जिस्टिंग, सेंटर कॉलम में है, सेल बढ़ी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़े, उस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, देयरफॉर नेट प्रॉफिट 20 से बढ़ा। हिम्मत जारी रखिएगा, लास्ट कॉलम में है, लास्ट कॉलम में बताएं फिगर्स कैसे लिखूं, क्या ये 50 एज इट इज रहेगा? कौन सा 50 एज इट इज क्यों रहा है? उसमें कोई चेंज नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला 50 एज इट इज आ गया, लेकिन क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है? कितने से? 20 से बढ़ी है। दोबारा कैलकुलेटर पे लिखें, 170 डिवाइड बाय 1100। कंक्लूजन, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा? एग्जिस्टिंग मार्जिन्स, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज इट इज रहने से नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल बढ़ गई। बढ़ी है, कम हुई है? क्यों बढ़ी है? एक्सपेंसेस नहीं, प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंसेस नहीं बढ़े। ऊपर ऑफिस आए, थोड़ी सी और हिम्मत, ऊपर ऊपर ऊपर, कॉस्ट ऑफ सेल ना प्रोपोर्शनेटली बढ़ गई थी। ये प्रोपोर्शनेटली बीच में बढ़ कहां से आ गया? 80% कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई थी, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज इट इज रहने से नेट प्रॉफिट जो है वो 20 से बढ़ गया है, और देयरफॉर नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इंक्रीज हो गया। इसको लिख लें, डेफिनेटली ये थोड़ा सा चैलेंजिंग ज्यादा था, इसको लिख के कंक्लूड करें। इसमें कोई चेंज नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट में, लेकिन नेट प्रॉफिट में चेंज है। एक वर्किंग बना, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बात फॉलो की? ये 170 डिवाइड बाय 1100 का आंसर बताइए जरा, क्या आया था? 15.4, सॉरी जी, लिखे ये जो बोर्ड पे देखते हुए आपकी खामोशी होती है ना, असल में ये चाहिए पूरी क्लास में, जिस पैशन से आप देख के लिखते हैं, अगर इसी पैशन से आप सवाल देख के सोचें तो इंशाल्लाह आप ज्यादा आप इफेक्टिवली समझ सकते हैं। ये जो आपका पैशन है वो सिर्फ लिखने पे है। जॉनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को वॉल्यूम 2 मिल गया? आप लोगों को तो मिल गया भैया, आप लोग उससे देख रहे हैं या नहीं लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसका भी जवाब नहीं दिया जा सकता? ये होना चाहिए, मेरा ख्याल है परसों शायद रिक्वायर्ड है, परसों शायद रिक्वायर्ड हो जाए, अपने आसपास रखिएगा। जी सर, ये दो रेशोज होगी, वाइंड अप करें यार, काफी टाइम लगा दिया मैंने। क्या इफेक्ट है जी, प्लीज, किस पे नो, किस पे यस?
कंप्लीट करें, कंप्लीट करें। ठीक है असिम साहब, ठीक है ओके। ये बाकी वाइंड अप करें, बाकी जो चार आ गई हैं सोचा सोचा इंडिविजुअली वाइंड अप करें। फिर बहस शुरू होगी रसी यार, उसने भी यही सवाल, उसने भी आपकी तरफ यही सवाल किया, नेट ऑफ हो गया। एक मिनट ठहर जाए यार, हुनी आवाज आएगी फिर लिख लेंगे यार, कम ऑन सोचे यार। जी सुल्तान साहब दोबारा कंसीडर करें, ये आपने जज्बाती फैसला किया, बाकी चारों इंक्रीज लगता है को टॉस किया आपने थोड़ा सा खराब हुआ है टॉस, बिस्मिल्ला करके दोबारा। सुल्तान साहब ठीक हो गया टॉस, लेकिन कांडी दोबारा सोच ले। ये बड़ा आप लोग कंप्लीट करने पर एक दफे बात करता हूँ। जी मौलाना कर रहे हैं, मैंने जब पूछा फिर आपने कहना भी कर रहा हूँ सारे हो गए। ये बेटा कहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचे भाई? चले ठीक है, शबीर साहब आप जितनी उम्र, शबीर साहब जितनी मर्जी डिफरेंट फिगर रिज्यूम करें, पसंद के मुताबिक अगर रिज्यूम करेंगे तो इंशाल्लाह जीपी सेम रहेगा। मार्जिन सेम रखना है, जो पुराना मार्जिन है वही नया मार्जिन है, मार्जिन नहीं बदल सकते आप। जी फ्रेंड्स चलिए, जहां भी है छोड़ दें यार, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, आपस में छोड़ दें। करंट रेशो में करंट एसेट्स बढ़ने की वजह से इंक्रीज आ जाएगा, स्टॉक टर्नओवर आपको लिख के करना पड़ेगा, आपने लिख लिया हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इजाफा है, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स में इजाफा है, स्टॉक में कमी है, नहीं बेस भी कम हो रही ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन इसको लिख लेना चाहिए, लिख के करेंगे मेरा ख्याल इंक्रीज है। Thank you.
जी विदिशा भी यही बात है, बात यही है, होपफुली आपको समझ आ गई। जी स्टॉक टर्न नंबर बेटा सबका हो गया, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी बता दें अपने आंसर्स स्टॉक टर्न नंबर के। स्टॉक टर्न नंबर, एक मिनट है तो, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रहे हैं बीच में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं हूं बेटा, आप हैं प्लीज, आप हैं। और बेटा इसका इसका जवाब ये सर नहीं हो सकता, तो ये तो मानना आपने कि आप ऑनलाइन स्टूडेंट है। इंक्रीज जाने सर, स्टॉक टर्नओवर इंक्रीज, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज की वजह बताएं, प्रॉफिट इंक्रीज, नो चेंज इन नॉन करंट एसेट्स, क्विक रेशियो में इंक्रीज की वजह बताएं, करंट एसेट्स इंक्रीज, कैश बढ़ने से, नहीं कैश तो वैसे है नहीं, डेटर और स्टॉक, नेट इफेक्ट करंट एसेट्स बढ़ने से, चारों इंक्रीज है यार। आगे शिराज साहब, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे? कैंडी देख लीजिएगा प्लीज, नो इफेक्ट के बाद सब इंक्रीज ही है यार। इसकी रिवीजन बनती सर आज आके, बेस्ट रिवीजन ये होगी, बेस्ट रिवीजन दोबारा खुद से अज्यूम करें फिगर्स और जानबूझ के चेंज फिगर अज्यूम करें, ताकि कुछ समझ भी आए किया क्या। ठीक है, जहां जरूरत पड़े जरूर देखें, लेकिन जहां खुद से फिगर अज्यूम करेंगे वो ज्यादा बेहतर है। पेज नंबर 191 पे आ जाएगा, टू मच टाइम इज लेफ्ट, पेज नंबर 191, क्विक रेशियो में करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं लेकिन डेटर 100 से बढ़ रहे हैं, डेटर 100 से बढ़ रहे हैं, स्टॉक 80 से कम हो रहा है, तो करंट एसेट 20 से बढ़ रहे हैं। करंट एसेट्स 20 से बढ़ रहे हैं, वहीं बैठ के जरा देखें, तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई। लिखे करो फिर, जी सर पॉइंट नंबर थ्री कौन सा, जस्ट एक मिनट, एक क्वेश्चन मेरे सामने, जस्ट एक, ये मेरी फिगर्स सॉल्व कीजिएगा जो ऊपर जो लिखी हुई है, ये न्यूमरेटर में जो फिगर्स लिखी हुई है इसको सॉल्व कीजिएगा। एट हंड्रेड डिवाइड बाई 350, इंक्रीज आ रहेगा, ये आप कौन सा पॉइंट कह रहे हैं, सवाल सुनने दें यार। पॉइंट नंबर थ्री आप क्वेश्चन का कह रहे हैं, नहीं वो कोई रेशियो बोल रहे हैं या पॉइंट बोल रहे हैं, पॉइंट नंबर थ्री कौन सा वाला जरा, हाँ जी पॉइंट नंबर थ्री में आप करंट एसेट्स पूछ, करंट रेशियो पूछ रहे हैं, अपनी एंट्री सामने रखें, एंट्री आपकी है ये कैंडी निकालिए जी, पॉइंट नंबर थ्री की एंट्री, एक मिनट जरा निकालिए, पॉइंट नंबर थ्री में डबल एंट्री सामने रखें, कैश डेबिट है 90, डिस्काउंट अलाउड डेबिट है 10 और डेटर क्रेडिट है 100। बेटा छोड़ दो यार प्लीज, मेरी मेरी भी सुन लो, यकीन मैं बोल रहा हूँ,
अब आप बेटा करंट रेशियो में कह रहे हैं, तो करंट रेशियो में यकीनन 10 का डिक्रीज आएगा नेट करके, यकीनन 90 प्लस होगा और 100 माइनस होगा, तो करंट एसेट्स में नेट 10 से डिक्रीज आएगा। एच तो में आ रहा है 100 पैसे देखा जाए। बेटा नहीं आ रहा ना, अब 90 आएगा ना, कम आएगा। डिस्काउंट अगर आप अलाउ कर देंगे तो आपको 100 की जगह, अगर आपने 100 लिखा फिर आपका उधर 110 अराउंड होना चाहिए। अगर डिस्काउंट आप दे रहे हैं तो उतने पैसे तो नहीं ना आएंगे जितने मिल रहे हैं। करंट एसेट्स ठीक है सर जी, हम एंट्री सामने रख लेते हैं ना, एंट्री जो मैंने एंट्री लिखवाई उसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो एंट्री लिखवा लेते, वो एंट्री तो लिख दे, एंट्री बता दें आपने कितने से की है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड 10 ठीक है। अब इस एंट्री में कोई इशू पहले कैश है बेटा, वो करंट एसेट पे ऐड नहीं नहीं, होगा। अब इस एंट्री में कोई त्रास। अब आपकी फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग फिगर थी 600 और करंट करंट लायबिलिटी सी 400, तो मेरा ख्याल आंसर 1.5 आएगा। एक मिनट सॉल्व करिएगा, तो ये एक एग्जिस्टिंग फॉर एग्जांपल बिफोर दिस एंट्री। अब आ रहे हैं इस एंट्री का इफेक्ट लेते हैं, 600 प्लस 90, लेकिन -100 भी तो होगा ना, कैश प्लस होगा, डेटर्स में 100 माइनस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स नेट करके 10 माइनस हो गए, डिवाइड बाय 400, मेरा ख्याल है कि 590 शायद रह जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, 690 और नहीं, 590 -400 तो 1.475। आप ये 100 माइनस मिस कर रहे हैं, कैश बढ़ेगा, करंट एसेट्स में कैश भी होता है और डेटर्स भी होते हैं, कैश बढ़ जाएगा लेकिन 90 से और डेटर्स कम हो जाएंगे 100 से, तो नेट करके 10 से आपके करंट एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। ये पेज नंबर 191, 191 इसके एंड में एक सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन लिखा होगा, इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन वर्किंग कैपिटल। एक थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से सवाल है शायद जिससे अभी किए, इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द वर्किंग कैपिटल, अंडरलाइन कर रहे वर्ड्स, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, यहां से रुपीज में आता है, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं अंडरलाइन करके इसके ऊपर। करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, नथिंग मल्टीप्लाइड बाय कुछ नहीं, रुपीज में आंसर आएगा। करंट एसेट्स ज्यादा होंगे तो सरप्लस फंड्स, और करंट लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी तो डेफिसिट फंड्स। अब सेंटेंस दोबारा शुरू करें, वो कहता है इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट आपने बताना, बाय इंडिकेटिंग नो इफेक्ट, इंक्रीज डिक्रीज विद जस्टिफिकेशन का मतलब, क्रॉस करके नहीं बताना, जस्टिफाई करना है कि क्या इफेक्ट है, कुछ भी नहीं आना, इंक्रीज आना है डिक्रीज आना है। आपका वंस अगेन फोकस ये होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में अगर चेंज आया तो वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी, करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो जाएगा, करंट एसेट्स कम हो जाएंगे तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज अगर बढ़ गई तब भी वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, और करंट लाइबिलिटीज अगर कम हो गई तब भी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। वर्किंग कैपिटल पे सारा फोकस है। ट्रांजैक्शन नंबर 1, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 50,000। आपका काम सिर्फ एंट्रीज यहीं मिलाना है, परचेज सॉर्ट ऑफ है रॉ मटेरियल, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं भी पता उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ परचेज हो रही है, चीजें खरीदी जा रही हैं, एंट्री बता दें रॉ मटेरियल परचेज डेबिट। अब कैश क्रेडिट भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं, उसने स्पेसिफाई नहीं किया, वैसे अगर स्पेसिफाई ना करे तो क्रेडिट परचेज होती है, और अगर ना बताए तो सेल भी क्रेडिट पे ही होती है, लेकिन हम दोनों एंगल से बात कर लेते हैं। दोबारा एंट्री बने,
रॉ मटेरियल परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, एक दफा बोल देना आप थोड़ा आराम आराम से, आप वर्किंग कैपिटल जेन में लाया। रॉ मटेरियल खरीदने से, रॉ मटेरियल खरीदने से, परचेजेस करने से क्या करंट एसेट बढ़ेंगे? स्टॉक भी बढ़ जाएगा सर, एक एक करके होगा, एक भी होगा दूसरा भी होगा। परचेजेस डेबिट होने से, परचेजेस डेबिट होने से स्टॉक भी तो बढ़ेगा ना यार? सर जी बढ़ेगा सर। और डेफिनेटली अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश कम हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल पे नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा, मेरे अलावा सबका हो जाएगा। जल्दी से अपने जेन में क्रेडिट परचेज की एंट्री लाए। अगर ये एंट्री भी हो तो परचेजेस डेबिट होने से स्टॉक बढ़ के करंट एसेट बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स क्रेडिट होने से लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी और दोनों 50,000 से बढ़ेंगे, करंट एसेट भी 50,000 और क्रेडिटर्स भी 50,000, अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट जीरो ही रहेगा। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह कल दोबारा शुरू करेंगे, आप लोग इस तरह करें। एक मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को जिसमें चेंजेस इन इक्विटी बनानी थी, वो कहां तक हुआ है? इस तरह के दो काम रख लें, एक तो ये एपी बैक जो आज किया इसको रिवाइज करें और उसको जरा कहीं देखें, मैं उसमें एक पॉइंट मुझे लग रहा है लोन वाला है, लेकिन दोबारा जरा एक नजर देख लीजिएगा। कल दोनों को फिर वाइंड अप करते हैं। पेज नंबर उसका बताइएगा, 316 पे क्वेश्चन था, उसको भी जरा दोबारा रिफ्रेश कर लीजिएगा, कल फाइनल करते हैं। पेज नंबर 316 एपी बैक जो अभी कर रहे थे और पेज नंबर 316 काइंडली फाइनल करें, जरूर घंटा डेढ़ लगना चाहिए, इन सवालों के बाद नींदें उड़नी चाहिए और मोबाइल ऑफ होने चाहिए। अल्लाह हाफिज। ये मुश्किल काम है, नींदें उड़ी हुई है लेकिन मोबाइल ऑन करके कैंडी सर जाते हुए सफ ले जाइएगा, नीचे कैंडी सर सफे ले जाइएगा, सात बंदा एक मिला लेंगे, नीचे फिर जरूरत पड़ेगी। जी अब्दुल आदि इंशाल्लाह बात करेंगे, इंशाल्लाह कल बात करते हैं।